हेलो फ्रेंड्स, युजोत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी, जो काफ़ी टेस्टी लगती है और मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी और उसके अंदर डालेंगे दो कॉफ़ी के पाउच लिए मैंने यहाँ, तो कॉफ़ी डाल लेंगे हम इसके अंदर दो पाउच की। और कॉफ़ी देखिए दोनों डाल दिए मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे 5 चम्मच चीनी। चीनी अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी और भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप जितना गर्म पानी और इसे अच्छे से मिला लेंगे। पानी हमें गर्म ही लेना है, ठंडा नहीं लेना। और इसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम डालेंगे जार के अंदर और एक बार अच्छे से इसे पीस लेंगे हम, ताकि इसकी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाए इसके अंदर और काफ़ी टेस्टी भी लगे ये पीने में। तो ये देखिए इसे अच्छे से पीस लेंगे हम 2-3 मिनट तक, और उसके बाद इसका क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाता है इसमें और ये काफ़ी टेस्टी भी लगती है पीने में। ये देखिए ये अच्छे से पिस चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 ग्लास दूध। दूध यहाँ हमें ठंडा ही लेना है, गर्म दूध नहीं लेना, क्योंकि हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं तो दूध ठंडा लेना है। और इसी के साथ में इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसे एक बार फिर से पीसेंगे हम अच्छे से। ये देखिए इस तरह, और मिनटों में ही कोल्ड कॉफ़ी बन करके तैयार है और ये काफ़ी क्रीमी बनती है ये देखिए। तो इसे आप भी इस तरह बनाकर ट्राई करें। अब इसे हम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ग्लास लिए, ग्लास में हम आइस क्यूब्स डाल देंगे और साथ ही में कोल्ड कॉफ़ी जो हमने बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से पूरा भर देंगे इसको ग्लास को, ये काफ़ी टेस्टी लगती है पीने में। तो ये देखिए, और इसके ऊपर क्रीम भी लगा देंगे हम। आप चाहें तो इसके अंदर आइसक्रीम भी लगा सकते हैं सर्व करते टाइम। अब इस पे हम डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने चोको पाउडर डाला है, आप चाहें तो चॉकलेट्स के पीस भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, और इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए काफ़ी टेस्टी बन करके तैयार हुई है। आप भी इस तरह बनाकर ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।